अरे तुम्हारी स्लीव कैसे फट गई? ओ ये तो एक हुक पे फंस गई थी। अच्छा वो छोड़ो, आज मुझे कुछ जरूरी काम है इसीलिए पेट्रोलिंग की ड्यूटी करने तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरी जगह। अभी आया। अच्छा तो ये है तुम्हारा जरूरी काम। कितने समझदार हो तुम, आखिर मेरे ऊपर जो गए हो, मैं तो चला। ये तो कभी नहीं सुधरेगा। देखिए प्लीज, मुझे कहाँ रहकर मित्सुओ की देखभाल करने का मौका दे दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, तो तुम हमारी अनइनवाइटेड गेस्ट बनना चाहती हो? हाँ, मैंने अपने घर से परमिशन ले ली है। पर हमारे पास तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है। फिक्र मत कीजिए, मैं मित्सुओ का रूम शेयर कर लूँगी। कितना मजा आएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ये तो बहुत अजीब बात है कबाब। यकीन नहीं होता साबू, कुछ तो करना होगा। कितनी अच्छी बात है कि मिची को मुझे पसंद करने लगी है। अरे रोबोट क्या बात है, मत पूछो क्या बात है। तुम्हें पता भी है कि मिची को तुम्हारे रूम में है। वो मेरा ध्यान रखना चाहती है, उसी ने जिद करके मॉम को मना भी लिया। मजाक कर रहे हो ना? नहीं ये बिल्कुल सच है। अच्छा वैसे तुम्हें मिची को ने देखा तो नहीं है ना? नहीं तो सुनो, थोड़े दिनों के लिए भूभी के घर पे रहने चले जाओ और जब तक मिची को यहाँ है तुम वही रहना, समझे? अरे लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या, देखो मुझे उसे यकीन दिलाना है कि परमैन से ज्यादा मित्सुओ उसे पसंद करता है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए ये करना ही होगा, समझे? ये तो बड़ी अजीब बात है। मेरे साथ कोई है क्या? नहीं नहीं मेरे साथ कौन होगा भला, चलो। अरे कितना सेल्फिश है ये, अब मैं क्या करूँ? चलो आखिर मैं तो रोबोट हूँ, ड्यूटी पर जाना ही पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा पपीते की तरह क्यों लटका हुआ है? क्योंकि मित्सुओ मेरा गलत यूज कर रहा है और ये मुझसे सहन नहीं हो रहा, वो बहुत बहुत बुरा है। इतनी रात को तुम बिन बुलाए यहाँ चले आए, मैनर्स नहीं है क्या? आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे यहाँ सोने आए हैं। सोने आए हो? किसी को भी तो बिना बुलाए आ गई थी, ऐसे ही हम भी आ गए, समझ गए मित्सुओ? ओहो ये क्या मजाक है, इतने छोटे से कमरे में चार लोग नहीं सो सकते, समझे? जाओ यहाँ से। मैं भी यही सोऊंगी, चार से पांच। तुम्हारी कमी थी। मैंने सुना है तुम मित्सुओ की अनइनवाइटेड गेस्ट हो, बिन बुलाई मेहमान। तो क्या हुआ, इसमें अनइनवाइटेड वाली क्या बात हुई? क्या एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के यहाँ बिन बुलाए रहने नहीं जा सकता? मेरे मामले में तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझी? मैं सब समझ गया हूँ, इसलिए अब मैं भी यहीं पर रहूँगी, मित्सुओ की देखभाल करूँगी, तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से देखभाल करूँगी, समझी? मैं तुमसे बेटर हूँ। तुम लोग लड़ती रहो, हम चले सोने। चलो हम भी चले सोने। अरे लेकिन मैं कहाँ सोऊँ ये तो बताओ। मित्सुओ सच सच बताओ कि मिची को तुम्हारे घर पर क्यों रहने के लिए आई है? दरअसल आज सुबह ये तो मिची को है। हेलो मिची को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मित्सुओ, आज हम दोनों लेट हो गए हैं, चलो जल्दी चलते हैं। फिक्र मत करो, मैं कह दूंगा तुम मेरी वजह से लेट हो गई हो। तुम कितने बदल गए हो। अरे ये लाल धागा क्या है? क्या हुआ मिची को, क्या देखा तुमने? मित्सुओ तुम्हें पता है लाल तो लव का कलर होता है ना? मतलब तुम मुझे पसंद करने लगे हो। ओह तो बस एक लाल धागे से उसने आइडिया लगा लिया कि वो लव का कलर है और तुम उसे पसंद करते हो मित्सुओ, क्या बात है? हाँ यही बात है। मित्सुओ मिची को बुला रही है, तुम लोग जाओ वरना उसे शक हो जाएगा, प्लीज जल्दी जाओ। ओके चलो अब चले यहाँ से दोस्तों। हिया! क्या हुआ मित्सुओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो आसमान को निहार रहा था। क्या मैं भी यहाँ खड़ी हो सकती हूँ? जरूर। मित्सुओ नहीं, देखो ये तुम्हें खाना ही होगा। लेकिन जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मैंने अपने हाथ से बनाया है ये, खाओ खाओ। पर मेरा सैलेड इससे भी ज्यादा टेस्टी है, खाओ देखो। ये लो,
इसमें तो बहुत मजा आ रहा होगा। अरे कुछ मजा मजा नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं और सहन नहीं कर सकता। यानी अब तुमने रोबोट को घर पे बिठा दिया है। मेरे ख्याल से हमें पाको से बात करके कुछ प्लान करना होगा ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्यों क्या कहते हो? मैं कहता हूँ अरे पाको कहाँ चली गई? उसे पायान ने किसी काम के लिए बुलाया है इसीलिए वो चली गई। अरे ये क्या, अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ, मिची को इतना तंग करता हूँ कि वो परेशान होकर चली जाए। अपनी नाक साफ करता हूँ। हाँ? इस पे तो कोई असर नहीं हो रहा है, अब क्या करूँ? माफ कर दो, दरअसल तुम यही सोच रही हो ना कि कैसा लड़का है ये, इसे तो कोई भी मैनर्स नहीं है। मैं बिल्कुल मैनर लेस हूँ। कोई बात नहीं, तुम इतनी मेहनत करते हो, घर आके रिलैक्स तो करोगे ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं और मेहनत? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो घर पे नाक साफ करना कोई बुरी बात नहीं है, समझ गए? ओ मिची को क्या हुआ? अगर तुम थके हो तो तुम्हारा सिर दबा दूं? नहीं, मुझे बस शांति से सोने दो। ये बहुत ही बेकार आइडिया था, फेल हो गया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। नहीं नहीं, मेरा आइडिया तो मिचिको को बाहर भगाने का था। वो मिचिको तो बस मिचिको ही है, अगर उसे पता चल गया कि मित्सुओ ही परमान है तो पता नहीं वो उसके साथ क्या क्या करेगी। यही तो वजह सब, जरूर वो जानती है कि मित्सुओ ही परमान है, ऐसा मुझे लगता है। क्या कहा तुमने? उसे कैसे पता चला? यानी कि ये बात तब पता लगी थी जब उसने बर्ड को कैच किया था। मिचिको देखो मैंने पकड़ लिया। थैंक यू परमान, माफ करना मेरी वजह से तुम्हारी स्लीव फट गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे सिल दूंगी। ये देखो मैंने सिल दिया। अरे ये क्या, इसका मतलब उसे तब पता चला जब वही शर्ट मित्सुओ ने अगले दिन पहनी है ना? अच्छा, इसलिए उसने कहा था कि लाल धागा लव का सिंबल है ना पाको? यानी मिचिको की सोच बदलना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आ गया। हेलो मिचिको। परमान, तुम नकली परमान हो है ना? नकली परमान? मिचिको ये तुम क्या मजाक कर रही हो, मैं ही हूँ असली परमान। पर दो परमान कैसे हो सकते हैं? मुझे याद है मैंने परमान की शर्ट को लाल धागे से सिया था। तुम इसी की बात कर रही हो है ना? अरे नहीं, मैंने तो दो शर्ट नहीं सिए थे, कितना कंफ्यूजन है। अरे ये क्या हुआ? मित्तो, हम अपना सामान ले आए। मिचिको क्या हुआ, तुम क्यों जा रही हो मुझे छोड़कर? मित्सुओ मैं और तुम बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, तो फिर मेरा तुम्हारे साथ यहाँ पर रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके बाय। अरे मिचिको ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पर इतना पता है कि मिचिको जा रही है। अच्छा तो ये सब तुम्हारी चाल थी? पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें मित्सुओ को नहीं बताना चाहिए कि मिचिको किस वजह से चली गई है। हाँ सही कहा, वरना वो बेहोश हो जाएगा। पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया, सब कुछ पहले कैसा हो गया। और हमारी टेंशन दूर हो गई और मेरी चलती ट्रेन पटरी से उतर गई।